उसके लिए वो चाहेंगे कि मेरा बेटा आईएएस बने, लेकिन एक किसान का किसान है वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। और आने वाले समय के अंदर हमें ये करके दिखाना है कि किसान ये कहे कि मेरा बेटा भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े। जब किसान समृद्ध होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आज यहाँ पर जो अधिकारी भी बैठे हैं, सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, निश्चित रूप से आज की बैठक का बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा। क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ, बैठा रहता हूँ कई बार, तो एक मन में आता है कि किसान की ये दुर्दशा किसान की क्यों है। किसान के बारे में कोई भी बात करता है तो उस समय ये कहते हैं कि किसान पहले जिस तरह से उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था, लेकिन आज इस साल भारत आज़ादी के 70 साल हो गए और उसके बावजूद भी किसान को महत्व कम दिया जाता है। एक कई बार मैं सोचता हूँ कि एक हजार के अंदर अपन कोई भी वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है। कोई भी चीज लेने के लिए जाएंगे अपन, साबुन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर भी एक कीमत निर्धारित की हुई होती है, उसके 10, 20, 50 जो भी रुपए लिखे होते हैं। एक पेस्ट लाने के लिए गए तो उसके ऊपर भी कीमत लिखी होती है। और अगर अपन एक माचिस सबसे छोटी होती है, उस माचिस जो होती है उसके ऊपर भी 50 पैसे या 1 रुपया लिखा हुआ होता है, उसमें वो व्यापारी ये तय करता है कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई, कितनी उसके ऊपर लेबर लगी, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, और उसके बाद में 10, 20, 50% नफा जोड़ने के बाद उसके ऊपर रेट लिखता है। लेकिन अन्नदाता धरती पुत्र किसान जो रात दिन मेहनत करता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, किसी भी ऋतु के अंदर हो, वो रात देखता ना दिन देखता है, मेहनत करता है, मजदूरी लगाता है ऊपर, और लगाने के बाद में जब वो मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता है तो उस समय उसकी कीमत किसान तय नहीं करता, उसकी कीमत कोई व्यापारी तय करता है। दुर्भाग्य इस देश के अंदर। लेकिन मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसान तय करे भविष्य के अंदर कि मेरी फसल है उसको मैं तय करूँ। जैसा भी बताया गया यहाँ से कि हमारे ऑर्गेनिक के बारे में बताया गया, राजस्थान की मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर लगभग सारी फसलें हमारी ऑर्गेनिक ही होती है। आज बाजरे का उदाहरण, बाजरा ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड हमारे कोई नहीं डाला हुआ है। लेकिन हम जब बेचने के लिए जाते हैं तो उस समय उसके 1,000 रुपये या 2,000 रुपये 1,500 रुपये जो कीमत होती है बोरी की हमें मिल जाते हैं। लेकिन उसको नहीं, किस तरह से हम उसकी खुद बढ़ा सकते हैं। आज उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर एक छोटे से पैकेट बनाकर बाबा रामदेव जी है या अन्य कई ऐसी है जो ऑर्गेनिक के नाम पर, सिर्फ आप उसको बढ़िया पैकिंग करके उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिख के और आप उसको एक बेचने का प्रयास करें, कोई युवा साथी आ गया है कि मैं इसका ऐसा एक व्यापार शुरू करूंगा जिसके अंदर की उसकी मैं कीमत फिर वो किसान से उसकी डबल रेट में लेके और आगे और अच्छी रेट में वो बिक सकती है। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक बाजरी को अगर वास्तव में बाजार में खरीदे जाते हैं तो अगर उसका ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो उसको 50 रुपये किलो में आराम से मिलेंगे, लेकिन हम ऐसे ही दे देते हैं। तो इस तरह से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें आपको सुनना है। आज की जो सेमिनार है उसके अंदर किसानों की और युवा साथी और सारे साइंटिस्ट उनको सुनना है, उनके साथ बैठ कर कि हमें आने वाले समय के अंदर हमारे इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर आज अभी अपन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो ये सेमिनार है, मैं सभी से यही निवेदन करूँगा, हमारे मंच पर बैठे अतिथि सभी पधारे हैं, इनको राजस्थान को लेकर मन में चिंता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर पधारे और हमारे सांसद महोदय और हमारे पूर्व मंत्री जी और सभी अधिकारी और सभी आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूरे दिन यहाँ पर रहने वाले भी हैं, आपके मन में है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसान के लिए क्या कर सकते हैं। ये आने वाले समय में ऐसे सेमिनार हम और भी करेंगे और पूरे देश के अंदर किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर सकते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी अकेले चाहेंगे उससे इनकम नहीं बढ़ेगी, उसके अंदर हमारा भी सहयोग होना जरूरी है। किसान स्वयं जब तक अपनी खेती को ये नहीं महसूस करेगा कि ये मेरी खेती है, और जब तक उस खेती के अगर पूरा ध्यान नहीं देगा
अगर माँ बाप की जिस तरह से हम सेवा करते हैं, उस तरह से अगर खेत के अंदर उस खेती को मान लिया कि मेरे को इस तरह से इसकी सेवा करनी है, तो मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ, दुगरी नहीं हम पांच गुना तक इसको ले जा सकते हैं। और ये पांच गुना ले जाने वाले अपने बीच में ही बैठे हैं यहाँ पे, जिसने शुरू में जिस तरह से किसानों ने किया था, आज उनको सम्मान मिला है। तो आज उन्होंने जिस समय आज से पांच साल या दस साल पहले शुरू किया था, उस समय उस खेत के अंदर कितना उत्पादन होता था और अब कितना होता है, वो खुद गुणा कर ले। अब इसी तरह आज यहाँ तो सब आप उत्कृष्ट किसान बैठे हो, लेकिन मैं आप सभी किसानों से ये निवेदन करूंगा कि आप तय करें आने वाले समय के अंदर कि मेरे गांव के अंदर मैंने जिस तरह से खेती को आगे बढ़ाया है, उसी तरह मेरे गांव को मैं गोद में लेता हूं और पूरे गांव के अंदर इस काम को मैं करके दिखाऊंगा। मेरा गांव है वो पूरा ऑर्गेनिक होगा और इसको मैं मेरे जैसा मैं आगे बढ़ाऊँ, वैसे मेरे पड़ोसी बढ़े, मेरा भाई बढ़े, मेरे गाँव का हर व्यक्ति मेरी तरह खेती करे। ये अगर संकल्प लेके जाओगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना साकार होगा और हम सभी देशवासियों का सपना साकार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप सबने विश्वास करके जिस तरह प्रचंड बहुमत के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन उनका हम सबको साथ देना है और आने वाले समय के अंदर हमारे को ये किसान कृषि को क्षेत्र को अपने को आने वाले समय आगे बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको यहाँ पर जिस तरह से चयन करके बुलाया है, तो आप मन में सोच सकते हैं राजस्थान की जितनी आबादी है कृषि के अंदर, उस कृषि के अंदर उसमें से आपको चयनित करके बुलाया, तो बहुत महत्वपूर्ण आप यहाँ पर हो। तो निश्चित रूप से आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जो आए हैं, तो निश्चित रूप से आपके जिले को ध्यान में रखकर, न कि मैं सिर्फ मेरा एक खेत है उसके ऊपर मुझे इनकम बढ़ानी है, नहीं, आप जो आए हैं आपको ये सोच के बैठना है यहाँ पर आज कि मैं मेरे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ और आने वाले समय मेरे जिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा कृषि के क्षेत्र में। तो ऐसा संकल्प लेकर आज यहाँ पर पूरे दिन की कार्यशाला में बैठे हम सभी यहाँ पर ही है, आपकी बातों को सुनेंगे, आप में से जो भी बात निकलेगी उसको हमारे सारे अधिकारी बहुत ही चिंता कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी मीटिंग के अंदर बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, सारे हमारे साथ ही होते हैं, सब यही चिंता करते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज हम सारे इस मंच पर हैं, यहाँ सारे बैठे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा और आने वाले समय में हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसका हम प्रयास करेंगे। और आप सभी से यही निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के अंदर आए, तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी से यही कहूँगा कि अपन इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक ले जाना है। इतनी बातें करने मेरी बात को खत्म करूंगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी की कल्पना पे आधारित है और उन्होंने ये प्रयास किया कि किस प्रकार सारे राज्य